गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो रिएक्शन वीडियो है उसका नाम है विजय डीके लॉकअप नंबर 4343। नहीं पता पर यहाँ पे 43 लिखा है। और विजय डीके के पहले भी मैंने जो है वीडियो रिएक्ट कर दिए है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आई बटन पे और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, तो देख सकते हो आप। तो देखते हैं ये वीडियो है कैसा। स्टार्ट। बिलीव आर्टिस्ट सॉन्ग्स। सबसे कम स्ट्रीट से तेरे भेजे के तार खुल चार बार्स में आधी का तम मिल के मैं फ्लो स्विच किया तेरी याददाश्त गई। मेरे को याद है सब ठीक से, कौन साथ कौन खात मेरे को जानने का नहीं। मेरे को स्मेल आती दिल से, ये होश में कम बदरिंग में साइफर में बसते। मैं लिखता मैं पिल्स में, मेरे नाम को ये हिट डेकर दबाना चाहते थे। आज ट्रैक्स पे छू डील्स में, करो इंडिया से मुंबई को रिप्रेजेंट। एक किसके उम्र में ध्यान से स्किल से बस मेरे चार्ज करे बॉडी वर्स बात करे ब्रेन राइम बात करे बीट से। भोजन मिले मेरे को भोजन टोके आगे मजा बोले रिस्के देखो डराएंगे बढ़ने से आगे में इम्र का हिप हॉप और काम करा दिल से। सिद्धिता दिल बहुत मिडल का फैमिली का लड़का मैं सक्सेस तो फिक्स है। मैं जीरो से स्टार्ट किया रन मेरे आज बल्कि लाखों से मिलियन में स्ट्रीम से ब्लेस से मैं माँ मेरे साथ में भगवान से गुजारिश है मेरी उम्र दे उसको। मेरा बाप मेरे असल जिंदगी का हीरो मेरे भाई लोग बोले मारने का किसको। इट्स बॉन्ड लाइक दोस्ती के लिए इधर जान भी हाजिर किधर पे मिलने का बोल से भावना इधर ना रे पान खुद पे चार तीन भाई बोलू उसको जो भागे तेरे लिए फायदा उठाते तुम यंग लड़कों का और मजबूरी में जिंदगी छाट कर लिए। पैसों के लिए इधर क्राइम चलने का है जेवली नहीं तुझी थी वाट बकती है तू रड़ो तो तिला वो माफ नहीं करेगा मेरा आर्ट नहीं मरेगा मेरे सोल में हिप हॉप मेरा साउंड मेरा हटके बोल बॉम्बे के डॉन। मैं तो ज्ञानी नहीं नाई कोई ज्ञान प्राप्ति सबसे कम स्ट्रीट से तेरे भेजे के तार खुल चार बार्स में आधी का तम मिल के मैं फ्लो स्विच किया तेरी याददाश्त गई। मेरे को याद है सब ठीक से कौन साथ कौन खात मेरे को जानने का नहीं। मेरे को स्मेल आती दिल से ये होश में कम बदरिंग में साइफर में बसते। मैं लिखता मैं पिल्स में मेरे नाम को ये हिट देकर दबाना चाहते थे। आज ट्रैक्स पे छू डील्स में करो इंडिया से मुंबई को रिप्रेजेंट। एक किसके उम्र में ध्यान से स्किल से बस मेरे चार्ज करे बॉडी वर्स बात करे ब्रेन राइम बात करे बीट से। परिस्थिती नव्हती माझी घालायची नाही की तरी सुद्धा वळलो ना पाठी मला माहिती आहे चांगलं मी दुखवलं नाही कधी कोणाला आणि कधी तोडली ना स्वतःच्या सुखासाठी नाती जो साथ मेरे बचपन के साथी बोले दोस्ती फुल कट्टर है महफिले समा बोले चार दिन की टोली इधर से गुनेगारी चालू होती मालूम देखो अच्छे से गांड में फिर गोली लश्करे ताइबा चले मेरे पीछे मेरे हुड का मेरा राजा तू पंछी है पिंजरे में तेरी जिंदगी और तेरी आजादी सब मेरे हाथ में है चाबी तो मिलने दे कौन किसके भरोसे कौन किसके बदौलत सब मेरे को मालूम है अच्छे से ये दुनिया का रोली छे गंदा तू ढूंढ रहा भी उसको जो नहीं तेरे नसीब में अजीबा सर रान करणारी आई माझी लोक अच्छे घरातले काम करून संडे तर शोर 365 days बिना छुट्टी के कैसे क्या मैं बोलू जो ताने वो जाने तुम लोग ने अब तक मेरे बारे में ठीक से नहीं पहचाने। मैं जिंदा एक लास्ट था हिप हॉप ने जिंदगी दी मेरे को सालिम जमाने में ज्ञानी नहीं नाई कोई ज्ञान प्राप्ति सबसे कम स्ट्रीट से तेरे भेजे के तार खुलू चार बार्स में आधी का तम मिल के मैं फ्लो स्विच किया तेरी याददाश्त गई। मेरे को याद है सब ठीक से कौन साथ कौन खास मेरे को जानने का नहीं। मेरे को स्मेल आती दिल से ये होश में कम बदरिंग में साइफर में बसते। मैं लिखता मैं फील्स में मेरे नाम को ये हिट देकर दबाना चाहते थे। आज ट्रैक्स पे छू डील्स में करो इंडिया से मुंबई को रिप्रेजेंट। एक किसके उम्र में ध्यान से स्किल से बस मेरे चार्ज करे बॉडी वर्स बात करे ब्रेन राइम बात करे बीट से। मेरे को ज्ञानी नहीं नाई कोई ज्ञान प्राप्ति सबसे कम स्ट्रीट से तेरे भेजे के तार खुल चार बार्स में आधी का तम मिल के मैं फ्लो स्विच किया तेरी याददाश्त गई। मेरे को याद है सब ठीक से कौन सा कौन घाट मेरे को जानने का नहीं। मेरे को स्मेल आती दिल से खत्म। ये जो गाना था ये विजय डीके का काफ़ी इमोशनल था यार। और हर टाइम की तरह इस बार भी कोई तो न्यू मराठी मूवी की बीट पीछे से बज रही थी और काफ़ी
इंटरेस्टिंग लगा और काफी न्यू लगा मुझे कि ये ऐसे भी कुछ हो सकता है यार। हर बार विजय डी के कुछ ऐसे ही लाता है कि शॉक हो जाते हैं कि इस गाने पर ऐसे रैप हो सकता है, पता ही नहीं था। अगर मैं ऐसे सुनूं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि, अगर किसी को मालूम ही नहीं है ये मराठी मूवी का ट्यून है तो उसको लगेगा कि ये ट्यून पे ही, मतलब ये ओरिजिनल ट्यून है और इसके ऊपर ही रैप बनाया हुआ। तो ये गाना जो मुझे मराठी मूवी का अच्छे तरीके से पता है, वो बहुत पॉपुलर सॉन्ग है वो, तो उसके ऊपर बनाना, मतलब वो ट्यून ही ऐसी है कि इमोशनल कर देती है बीच में। और 43 मिडिल क्लास फैमिली, मेरी मम्मी, ये वो बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर जाता है, और एक एक वर्ड जो था रिलेट करता ही है। तो अभी अभी ऐसी वाइब है ना विजय डीके के बारे में, तो बहुत जल्द ये बंदा कुछ न्यू लाने वाला है, कुछ न्यू अलग करेगा और सबके बीच में छा जाएगा। मुझे तो ऐसी वाइब आ रही है और आई होप कि ऐसी ही हो। हर बार गाने में जो फ्लो स्विच हुआ ना यार, बहुत बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत गूज बम्स आ रहे थे, लिटरली गूज बम्स आ रहे थे, मजा आ गया। मैंने ये गाना बीच में रोका नहीं क्योंकि ये इमोशनली था, मैं इमोशनली वेव में थोड़ा सा लेके गई और मुझे सुनना था आगे 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 क्या है। इसमें थोड़ा सा मराठी में भी है बीच में, जो कुछ मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ा सा है, वो भी एकदम मस्त था। मुझे बेसिकली ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बता देना कॉमेंट सेक्शन में, और कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ वो भी मुझे बता देना।